दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है सुपर आइडिया वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप्स को कैसे एसडी कार्ड में बहुत ही आसानी से मूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले मैं एक ऐप आपको दिखा देता हूँ जो एसडी कार्ड में नहीं है, ये पिक्सार्ट ऐप को मैं दिखा देता हूँ। इन्फो पे जाएंगे और थोड़ा वेट, ये देखिए यहाँ स्टोरेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेंजिंग का ऑप्शन है, ये देखिए एसडी कार्ड में ये नहीं है, ये पहले ऑप्शन मेरे में नहीं आ रहा था, ये एक ऐप की मदद से आया है और वो बहुत ही कमाल का ऐप है। आप इस ऐप को इंस्टॉल करके बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप्स को एसडी कार्ड में भेज सकते हैं। दोस्तों इस ऐप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ये देखिए यहाँ पर इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस पर पहले क्लिक कर दीजिए, ये थोड़ी लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्तों इसके अलावा और कोई भी ऐप मत इंस्टॉल करिएगा, बहुत से फेक एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं प्ले स्टोर पर, मैंने देखा है। ये एक इकलौता ऐप है जो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया है। ये देखिए ये ओपन हो गया और ये थोड़ी सर्चिंग और ले रहा है। और ये देखिए ये जितने ऐप मेरे एसडी कार्ड के अंदर नहीं है इस मोबाइल में वो सारे स्क्रीन पर आ गए हैं। मैं पिक्सार्ट को ये देखिए क्लिक किया, इसको क्लिक करके आपको रखना है, टैप करके रखना है, ये है, इसको टैप करके रखेंगे और ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले एक हमें सेटिंग अलाउ करनी है, वो ये है, इस पर अलाउ कर देंगे। अब हमें बैक जाना है, ये देखिए ऐप जो है एसडी कार्ड में जाना मूव शुरू हो गया है। बहुत ही कमाल का ऐप है दोस्तों, इसे ही इंस्टॉल करिएगा, किसी और बेकार ऐप के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए अभी, नहीं तो आगे आप भूल जाएंगे। और चैनल को हमारे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और भी बेस्ट और इंटरेस्टिंग ट्रिक के लिए। ये देखिए ये मूव हो रहा है, यहाँ पर ऊपर भी दिखाया जा रहा है, ये देखिए पिक्सार्ट मूव लिख के आ रहा है, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों, ये मूव हो जाएगा फिर। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर 1000 से कम है, प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करने में मेरी मदद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। हमें दोस्तों यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टाइम लग सकता है। और आप दोस्तों इस ऐप की मदद से सारे ऐप को एक साथ भी एसडी कार्ड में मूव कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ये देखिए दोस्तों ये ऐप जो है एसडी कार्ड में मूव हो चुका है, बैक चले जाएंगे, ये देखिए एसडी कार्ड में चला गया। अब आपको सारे ऐप को कैसे एसडी कार्ड में भेजना है वो बताता हूँ। पहले आपको टैप करके रखना है, फिर जो है सारे ऐप को चुन लेना, फिर वैसे ही तरीके से आप जो है सभी ऐप को एसडी कार्ड में मूव कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप क्लियर चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है और ये देखिए ये एक झाड़ू जैसा निशान बन के आ रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद जितने आपके मोबाइल के अंदर बेकार फाइल और जंक फाइल होंगी ये सब उन्हें क्लीन कर देगा। वेट करना होगा थोड़ा, ये देखिए दोस्तों क्लीन हो गई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।